हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे न्यू टाउन में रीसेल मांग रहे थे कि उन्हें बहुत ही प्राइम लोकेशन लाइक टेक्सस मॉल, नवोटल, सेंट्रल मॉल के आसपास 2BHK मांग रहे थे। सो मैं आज बेसिकली आ गई हूँ एक रीसेल 2BHK को कवर करने के लिए, जो है एक्सिस मॉल से हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट में। मतलब यहाँ से, इस फ्लैट से आपका एक्सिस मॉल का जो डिस्टेंस है वो हार्डली 300-400 मीटर ही है। सो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है। सो ये जो फ्लैट है वो 2BHK है, जिसका सुपर बिल्ड एरिया 700 स्क्वायर फिट है। और ये जो फ्लैट है ये सेमी फर्निश्ड है। मतलब इस फ्लैट में आपको बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट कह लीजिए कि घर की सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर देती हूँ जो बड़ी बड़ी चीजें हैं। आपको 2 कमरों में एसी दिया गया है, सो वो 2 AC आपको मिलेगा। 1 बेडरूम में आपको बेड दिया गया है, सो वो बेड भी आपको मिलेगा। और आपका मॉड्यूलर किचन से लेके फ्लैट से लेके वार्डरोब से लेके फॉल सीलिंग से लेके हर चीज आपको इस फ्लैट के साथ ही अवेलेबल होगी। सो कुछ चीजें हैं जो ओनर को बहुत क्लोज टू हार्ट है, तो वो सारी चीजें वो अपने साथ लेके जाएंगे। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द चीजें आपको इस फ्लैट के साथ ही मिलेंगी। सो ओनर अपना माइक्रोवेव, अपना वॉशिंग मशीन, अपना रेफ्रिजरेटर और 1 बेड, मतलब यहाँ पे 2 बेड हैं, सो 1 बेड अपने साथ लेके जाएंगे और 1 आप लोग को इस फ्लैट के साथ ही मिलेगा। सो मैं आपको ड्यूरिंग शूट के टाइम, जब मैं फ्लैट का टूर कराऊंगी, तब मैं आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या चीजें हैं जो ओनर लेके जाना चाहता है और क्या क्या चीजें आपको इस फ्लैट के साथ मिलेंगी। सो ये जो लोकेशन है, मैं बता चुकी हूँ कि नवोटल से हार्डली 1 मिनट, एक्सिस मॉल से 2 मिनट की डिस्टेंस पे ही है। सो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। सो आज मुझे वीडियो पे हेल्प कर देंगे दीपक भैया। सो वेलकम टू माय चैनल दीपक भैया। ओके, सो दीपक भैया, सबसे पहले मुझे इस फ्लैट के बारे में डिटेल्स बता दीजिए कि कितने साल पुराना फ्लैट है। ये मोटा मोटी 5 साल पुराना है। ये LIG कोऑपरेटिव फ्लैट है। ये आपको लोअर इनकम ग्रुप का फ्लैट है, कोऑपरेटिव, 12 आदमी का इसमें रहता है ओनर लोग। इसमें आपको क्या क्या होते हैं आपको बता दे रहे हैं। इसमें आपको लोन होगा, और इसमें आपको क्या होगा, बिलो 30K अंदर का वो सैलरी होना पड़ेगा। सैलरी बिलो 30 होना चाहिए, तब लोन मिलेगा, तब उसको होगा प्रॉपर्टी। अगर उसका ज्यादा हो तो नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी। अच्छा, सो मतलब सैलरी LIG, जैसा कि मैंने बताया, ये LIG प्रॉपर्टी है। सो LIG में एक चीज रहता है कि ये लोअर इनकम ग्रुप के लिए होता है। सो LIG में जिसकी सैलरी अबव 30 है वो लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, मतलब वो इस फ्लैट को नहीं खरीद सकता है। जिसकी सैलरी बिलो 30 है वो लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको, वो लोग इस फ्लैट को खरीद सकते हैं। सो ये बेसिकली आपका LIG फ्लैट होने के कारण आपको कोई भी बैंक लोन दे देगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे SBI हो, SBI, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अंटिल और अनलेस आपकी जो सैलरी हो वो बिलो 30 होनी चाहिए। सो दैट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर दैट। ओके, सो मुझे बता दीजिए कि ओनर इस फ्लैट को क्यों बेचना चाहते हैं। वो तो दूसरा फ्लैट में जाएगा, ये फ्लैट उनके लिए छोटा हो रहा है, दूसरा 3BHK फ्लैट में शिफ्ट होगा। अच्छा, अच्छा। और ये फ्लैट कितने साल पुराना है? 5 साल पुराना है। अच्छा, आपको जब मैं फ्लैट का टूर कराऊंगी तो देखेंगे कि फ्लैट एकदम नया का नया है, कहीं भी डेंट, क्रैक या फिर कुछ भी नहीं है, एकदम टिप टॉप फ्लैट है। और सबसे बड़ी बात है, जो ओनर है उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको सजाया है, चाहे आपका फॉल सीलिंग हो, चाहे मॉड्यूलर किचन हो, चाहे आपका वार्डरोब हो, हर वुडन काम किया हुआ है। यहाँ पे आपको हर दरवाजा जो है वुडन का दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो फ्लोरिंग है वो मार्बल की है। मतलब टाइल्स का एक एज होता है, 10-15 साल बाद वो टाइल्स खराब हो जाते हैं तो फिर आपको रिप्लेस करना पड़ता है। बट मार्बल एक ऐसी चीज है, अगर इसकी थोड़ी सी भी शाइन चली जाती है तो आप एक बार पॉलिश कर दीजिए और वापस से ये नया हो जाएगा। सो मार्बल का कोई एज नहीं होता। तो इस फ्लैट में आपको मार्बल की फ्लोरिंग मिलेगी और LIG फ्लैट है, सो ऑब्वियसली क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। सो क्वालिटी अप टू मार्क है, सो इसमें कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। और लोकेशन में बार बार मेंशन कर चुकी हूँ, बहुत प्राइम लोकेशन है। नवोटल से हार्डली आपका 1 मिनट पड़ेगा और एक्सिस मॉल से आपको 2 मिनट पड़ेगा। यहाँ से विश्व बांग्ला भी बहुत ही पास में है, मतलब हार्डली आपका विश्व बांग्ला 6-7 मिनट्स ही आपको विश्व बांग्ला पड़ेगा। सो ये आपका विश्व बांग्ला से भी पास में है, आपका एक्सिस मॉल से भी पास में है और नवोटल के तो बिल्कुल ही पास में। सो जैसे कि मैं मॉल के बारे में तो बता ही चुकी हूँ कि आपको एक्सिस मॉल है, वहां पे आपको स्पेंसर, बिग बाजार सब कुछ अवेलेबल है। रही बात लोकल मार्केट की, तो दीपक भैया से पूछ लेते हैं यहाँ पे लोकल मार्केट की क्या व्यवस्था है। मार्केट है, सीबी मार्केट है, ये ब्लॉक कम्युनिटी मार्केट है। इसमें आपको मेडिसिन शॉप, आपको जो जो चाहिए, मांस मछली,
सब कुछ आपको मिलता है, सब्जी भाजी सब मिल जाएगी। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ पे आपको 2 मिनट लगेगा पैदल। अच्छा, सो 2 मिनट लगेगा आपको यहाँ पे सब्जी भाजी लेने के लिए, लोकल मार्केट के लिए। मॉल आसपास है और यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह? हॉस्पिटल आपको टाटा मेडिकल है, दिशा महानगरी है, आपको भागवती न्यूटिया है, आपको YHO है, आपको टाटा मेडिकल बोल ही दिया। अच्छा, और यहाँ पे मेट्रो कितने पास है यहाँ से? मेट्रो से 3 मिनट नगोडल का बगल में है मेट्रो। वाह, सो नगोडल के पास में ही आपको मेट्रो है। और सो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन? विधान नगर है। अच्छा, सो विधान नगर आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। और बस स्टैंड? बस स्टैंड आपको यही पे है, आपको संकल्प है। वाओ, सो संकल्प आपका पास में ही है, वो आपका नियरेस्ट बस स्टैंड है। ऑब्वियसली यू नो, किसी को भी पूछ लो, कोई भी आपको बता देगा एक्सिस मॉल के बारे में। पूरे कैलकाटा में सिर्फ एक ही एक्सिस मॉल है जो कि न्यू टाउन एक्शन एरिया 1 में है। सो एक्सिस मॉल के बारे में सब जानते हैं। सेंट्रल मॉल उसके रोड के ऑपोजिट में ही है। सो नवोटल आपका 7-स्टार होटल है। सो वन ऑफ यू नो रिनाउंड आपका होटल है वो लेमन ट्री। हाँ, सो लेमन ट्री भी है यहाँ पे। सो और प्राइड होटल भी है। प्राइड होटल है। सो यहाँ से आईटी सेक्टर भी बहुत पास में, मतलब आपका सॉल्ट लेक जस्ट पास ही में, इको स्पेस है आपके पास, यूनिचेक है, इको पार्क है। सो बहुत ही प्राइम लोकेशन है, मतलब इससे ज्यादा प्राइम लोकेशन और क्या हो सकता है। कितनी फीचर्स आपको चाहिए, जो भी फीचर्स चाहिए यहाँ पे वो सब अवेलेबल है। ओके, सो फ्रेंड मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। सो अगर इफ इन केस मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ तो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो वहां से पुल आउट करके आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए अभी मैं आपको फ्लैट का टूर करा देती हूँ। सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड अभी मैं टेरेस पे आ गई हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पूरे छत पे मोजाइक का काम किया हुआ है। सो ये इस बिल्डिंग का टेरेस है। सो दीपक भैया मुझे बता दीजिए यहाँ पे आसपास क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे आसपास आपको एक्सेस मॉल है, 2 से 1 मिनट लगेगा। अच्छा, होटल है। अच्छा, यहाँ पे विश्व बंगला गेट। अच्छा, आपको जाएगा इको पार्क। अच्छा, सीबी मार्केट मिलेगा। अच्छा, सो मतलब नवोटोल वगैरह सब पास ही में है, एक्सेस मॉल सब पास में है। ओके, सो देख लीजिए ये पूरा लोकेशन है। सो सामने में देख लीजिए, यहाँ पे सामने में ही आपका ये पार्क है और ये आपका इस बिल्डिंग का रोड है, देख लीजिए आप लोग। सो ऑब्वियसली न्यू टाउन एरिया है, सो आपको रोड की कोई दिक्कत नहीं है। सामने में ही 25 फीट का आपको रोड दिया गया है। रास्ते में आप लोग देख रहे हैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज किया हुआ है। सो आपको यहाँ पे बारिश के टाइम में वाटर लॉगिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देख लीजिए ये पूरा सोसाइटी है। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चढ़ के रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड अभी जो मैं 2 BHK कवर करने वाली हूँ, ये उसका एंट्रेंस है। सो ये आपका फर्निश्ड है, आपको ये फ्लैट पूरा फर्निश्ड फ्लैट मिलेगा। सो देख लीजिए आप लोग, बहुत खूबसूरत से ओनर ने पूरे फ्लैट को सजाया है। घर के अंदर के साथ साथ बाहर भी उन्होंने बहुत खूबसूरत से इस पूरे प्लेस को सजाया है। ये पूरा ओनर का ही है। सो ये जो फ्लैट है, ये आप देख रहे हैं कि जस्ट लिफ्ट है और वॉल के बाजू में ही आपका स्टेयर्स है। सो स्टेयर्स के बाद ये लिफ्ट और लिफ्ट के बाजू में ही जो फ्लैट है 2 BHK, मैं इसे कवर करूँगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्टेयर्स, कॉमन एरिया एज वेल एज आपके फ्लैट के अंदर में पूरा मार्बल का काम किया गया है। सो यहीं से मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। ये पूरा जो फ्लैट है, पूरा मॉड्यूलर फ्लैट है। सो सामने में पहले आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है, देन सेकेंड बेडरूम दिया गया है, देन एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। इस तरफ में आपको एक किचन दिया गया है और ये इसके सामने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है और ये इसका एंट्रेंस है। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पूरे फ्लैट को बहुत अच्छे से डेकोर किया गया है, फॉल सीलिंग कलर वगैरह सब कुछ है। सो मैं आपको फ्लैट के अंदर ले चलती हूँ। सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा, वो यहाँ पे मार्बल की फ्लोरिंग की गई है। सामने में ही आपको ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। यहाँ पे एक काउच है। सो वॉल में आपको बुद्धा की एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग दी गई है। फॉल सीलिंग वगैरह सब कुछ किया हुआ है।
सो ये जो हॉल कम लिविंग स्पेस है वो कितना? सो ये जो हॉल कम लिविंग स्पेस है ये 12x14 का आपको ये एक हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको एक किचन मिल जाएगा, किचन भी पूरी तरह से मॉड्यूलर किचन है, आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। किचन में आपको चिमनी से लेके आरओ वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन और ये रेफ्रिजरेटर छोड़कर बाकी सारी चीज़ें इस फ्लैट के साथ ही मिलेंगी। ये जो किचन है इसका साइज 7x7 का आपको ये एक किचन दिया गया है। एक ह्यूज सा फ्रंट में विंडो दिया गया है। देख लीजिए आप लोग, पूरा मॉड्यूलर किचन तैयार है। हाइड्रोलिक डोर्स वगैरह दिए गए हैं, चिमनी अवेलेबल है, आरओ अवेलेबल है। ये किचन के बाजू में ही अटैच आपको ये एक बाथरूम दिया गया है, सिंगल कॉमन बाथरूम है। 6x6 का आपको ये सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे जो आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है, जॉनसन के टाइल्स दिए गए हैं, एक शावर दिया गया है। बाथरूम में आपको फैन भी अवेलेबल है, एग्जॉस्ट फैन अवेलेबल है, गीजर अवेलेबल है। आप लोग देख रहे हैं कि कितना नीट एंड क्लीन ये बाथरूम है। इस बाथरूम में आपको एक बेसिन मिल जाएगा, मिरर दिया गया है, ऊपर में लाइट है। ये आपका 6x6 का आपको ये एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। कॉमन बाथरूम के बाजू में ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 11x12 का आपको ये सेकेंड बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको दो स्लाइडिंग डोर के साथ विंडोज अवेलेबल है। यहाँ पे हर विंडो पे ओनर ने प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। इट्स अ गुड साइन। बहुत खूबसूरत से इस पूरे फ्लैट को इन्होंने सजाया है, लेकिन अभी जो ओनर है वो 3BHK में मूव कर रहे हैं, इसीलिए वो अपना ये फ्लैट सोल्ड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये वॉल माउंटेड वार्डरोब ड्रेसिंग टेबल अवेलेबल रहेगा। एसी आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। ये बेड ओनर साथ लेकर जाना चाहते हैं तो ये बेड अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे आपको बुक सेल्फ दिया गया है, बुक रैक दिया गया है। ये आपको इसी फ्लैट के साथ अवेलेबल होगा। हर दरवाजा आपका वुडन दरवाजा है। दरवाजे के पीछे आपको कपड़ों का एक रैक दिया गया है। यहाँ पे एक बुक सेल्फ भी दिया गया है। इस बेडरूम से अटैच आपको एक ये बालकनी दी गई है। बालकनी भी आपका पूरी तरह से कवर्ड है, क्योंकि लिए इस पूरे फ्लैट को दो ही एसी कवर कर लेते हैं। इसीलिए इसको कवर्ड स्लाइडिंग डोर के साथ कवर्ड बालकनी बनाया गया है। ऊपर में भी आप देख लीजिए सेल्फ वगैरह है, वार्डरोब वगैरह है। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा भगवान के लिए स्पेस दिया गया है। और ये जो फ्लैट है रोड साइड फ्लैट होने ये फ्रंट साइड फ्लैट होने के कारण आपको रोड साइड रोड दिख जाएगा आपकी बिल्डिंग से ही। देख लीजिए आप लोग, ये बहुत खूबसूरत से डेकोर किया गया है, सब कुछ मॉड्यूलर है। एक बेसिन भी में दिया गया है, एक टैप पॉइंट दिया गया है। ओनर ने बहुत खूबसूरती से बाहर की तरफ फ्लावर पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं, थोड़ी बहुत प्लांटिंग की गई है। आप लोग देख रहे हैं बहुत खूबसूरती से, एक आपका तुलसी का पेड़ भी है यहाँ पे, एक यहाँ पे तुलसी का पौधा भी है। बहुत खूबसूरत, आपको इस फ्लैट में हर चीज अवेलेबल है।
तो जैसे ही आप बालकनी से निकलेंगे अपने फर्स्ट बेडरूम में आ जाएंगे। फर्स्ट बेडरूम से निकलकर ही आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे और फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही ये आपका सेकेंड बेडरूम है। सो सेकेंड बेडरूम के बाजू में जो आपको ये एक ओपन वार्डरोब दिया गया है ये भी आपको अवेलेबल है। यहाँ पे काफ़ी तरह के हार्ड ड्रिंक्स रखे हुए हैं, यू कैन सी। सो ये जो आपका सेकेंड बेडरूम है यहाँ पे आपको एक सिंगल विंडो दिया गया है, एसी आपको इस फ्लैट के साथ ही मिलेगा। ये वाला बेड इस रूम में आपको अवेलेबल होगा, ये बेड आपको दे दिया जाएगा, ये काउच आपको दे दिया जाएगा। सो ये जो आपका सेकेंड बेडरूम है ये 12x14 का आपको ये सेकेंड बेडरूम दिया गया है। विंडो में देखिए बहुत अच्छे से प्लांट वगैरह लगाए गए हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस फ्लैट को रखा है। सो ये जो आपका वॉल माउंटेड कबर्ड्स वगैरह है ये भी आपको इस फ्लैट के साथ मिलेगा। यहाँ पे जो आपको एक वार्डरोब दिया गया है, अलमीरा दिया गया है, ये ओनर साथ में लेके जाएंगे। अदरवाइज ये जितना भी आपका ये वॉल माउंटेड डेकोरेशन है ये सब इसी फ्लैट के साथ आपको मिलेगा। देख लीजिए पूरे फ्लैट में किसी भी तरह का डैम क्रैक नहीं है, सिर्फ 5 ईयर्स पुराना ये फ्लैट है। सो ये आपका 14x12 का आपको ये एक सेकेंड बेडरूम दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एसी इस कमरे के साथ, दोनों कमरे में आपको एसी साथ में ही मिलेगा। सो सेकेंड बेडरूम से निकल कर ही वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस के पास में ही आपको एक और वार्डरोब दिया गया है। सो आपको वार्डरोब्स हर रूम में अवेलेबल है, चाहे हॉल हो चाहे बेडरूम हो, सो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉल सीलिंग वगैरह सब कुछ किया हुआ है। सो ये जो काउच है ये आपको इस फ्लैट के साथ नहीं मिलेगा, ये ओनर लेके जाएंगे। सिर्फ ये आपको वार्डरोब मिलेगा यहाँ पे। सो देख लीजिए पूरा फ्लैट अच्छे से। फ्लैट का टूर दे दिया है, बेसिक सी डिटेल प्रोवाइड कर दी। अब जो सबसे बड़ी बात है फ्लैट की प्राइसिंग। सो मैं अभी दीपक भैया से पूछ लेती हूँ कि फ्लैट की प्राइसिंग क्या है। 45 लाख हम लोग रखा है। अच्छा, सो 45 लाख इसका प्राइस रखा हुआ है विद गैरेज। हाँ, सो आपको इसमें 4-व्हीलर गैरेज भी इंक्लूडेड है। और ओके, सो दीपक भैया मुझे बता दीजिए यहाँ पे आपको एमिनिटीज फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल। एमिनिटीज आपको क्या है, एमिनिटीज आपको लिफ्ट है, लिफ्ट मिलेगा, सिक्योरिटी है, मिलेगा। अच्छा, सो 24/7 आपको पानी मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे पानी हिटको का मिल जाएगा। सो यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स है जो न्यू टाउन में पूरा पानी सप्लाई करते हैं। सो आपको बोरिंग का पानी भी अवेलेबल है और गवर्नमेंट का सप्लाई वाटर भी अवेलेबल। आपको यहाँ पे बारिश के टाइम में किसी भी तरह का वाटर लॉगिंग का इशू नहीं होगा क्योंकि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। सो बारिश के टाइम में भी आपको किसी भी तरह का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। सो जैसे कि बताया है कि इस फ्लैट का जो प्राइस है 45 लाख इंक्लूडिंग पार्किंग रखा गया है। सो इट्स अ बिग डील, मतलब आपको 2 BHK मिल रहा है, सेमी फर्निश्ड, एवरीथिंग आपको ऑलमोस्ट 80% चीजें आपको इसके फ्लैट के साथ मिलेगी, एज वेल एज आपको कवर्ड पार्किंग भी अवेलेबल है। और लोकेशन और फ्लैट मैंने आपको दिखाया ही है कि कितना न्यू और सब कुछ ब्रांडेड है। सो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। सो आई होप आपको ये फ्लैट अच्छा लगा होगा, इसका लेआउट अच्छा लगा होगा। सो अगर आप लोग को ये फ्लैट अच्छा लगता है तो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप साइट विजिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा, जो ओनर है
पेपर्स वगैरह सब तैयार है, चाहे सीसी की बात करें चाहे जो भी बात करें, आपको सारे पेपर्स एकदम अप टू डेट है, आपको पेपर्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अभी टाइम है अलविदा कहने का, मिलेंगे किसी नई लोकेशन में, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नए लेआउट के साथ। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।